मैंने मेहंदी लगवाई थी अपनी कज़न की वेडिंग में, तो ये मैंने ब्राउनी का नाम लिखवाया था। ये मेरा ब्राउनी है और ये मेरा चीकू है। इनकी कहानी इतनी आसान और इतनी प्यारी नहीं है जितनी दिखती है। आज से 7 साल पहले, ये जब 3-4 साल की थी, काली वाली चीकू मुझे मिली थी और ये मेरे दरवाजे पे आई थी, वो भी मार से बचने के लिए। इसको एक पड़ोसी बड़े से बैस बॉल से मार रहा था और पता नहीं क्या हमारा पुराना रिश्ता था या इसको क्या लगा कि पूरी कॉलोनी में मैं ही इसकी मदद करूंगी, मेरे दरवाजे आई कि मुझे मार से बचा लो। तब हमने अपना दरवाज़ा एकदम से खोला, एक घर के अंदर घुस गई और जो उसके पीछे आदमी भाग रहा था बेसबॉल लेके, उन्होंने बोला कि आपके घर में गली का एक कुत्ता घुस गया है। हमने कहा नहीं, तो वो कहता है नहीं घुस गया, उसको बाहर भेजो, मैं मारूंगा। और क्यों मारूंगा, रीज़न ये था कि उसका स्कूटी की सीट चबा गए थे। एक्चुअल में वो टीदिंग कर रहे थे, इसने बच्चे दिए थे, नए पिल्ले दिए थे, और जैसे इंसानों में हम टीदिंग करते हैं, हर चीज़ अपने मुंह में रखते हैं, ऐसे ये भी टीदिंग कर रहे थे। नए नए दांत थे, दूध के दांत थे, वो टूटते और नए आते। पर अब मैं क्या बोलूँ, इंसान को शायद इंसानियत भूल गई है। तो उन्होंने ना सिर्फ इसको मारा, इसके बच्चों को मारा, इसकी बच्चों पे पीठ पे ट्यूबलाइट तक मारी जिससे सारा कांच इनके फर में छुप गया था। इनके वाटर बाउल तोड़ दिए, फूड बाउल तोड़ दिए, इनके लिए मैं सोने के लिए बोरी लाई थी, बोरी फेंक दी। इनको रातों को मारते थे, लातों से मारते थे, डंडे से मारते थे, क्या नहीं करते थे बेचारों के साथ। खैर बहुत झगड़ा हुआ, 7 महीने तक झगड़ा चलता रहा चलता रहा। फाइनली मुझे इनको नोटिस भिजवाना पड़ा, पुलिस की मदद लेनी पड़ी, मैंने कहा गांधी जी की मुझे मदद लेनी पड़ी। और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद मैंने अपने घर वालों को मनाया, उन्होंने बोला नहीं बेटा ये बच्चों की तरह होते हैं, पूरी जिम्मेदारी का काम है, कौन करेगा। मैंने कहा मैं करूँगी। और आज ये बच्चे हमारे साथ हैं। कभी इनके पास सोने खाने पीने के लिए जगह नहीं होती थी, कचरा खाते थे, सड़क पर सोते थे, और आज देखिए आंखों का तारा बने हुए दोनों बदमाश, ब्राउनी और चीकू, ये देखिए। और इनकी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैं इनके एंटी रेबीज कर रही हूँ, ये बाकी एनिमल्स की भी सेवा हो जाती है इनके बहाने। ये कुछ पपीज़ है जिनको मैं अडॉप्शन करा रही थी। हमने रिफ्लेक्टिव कॉलर डाले हुए अपने एरिया में गाय और बाकी डॉग्स को, ताकि रोड एक्सीडेंट से वो बचें। मैं डॉग्स का भी ध्यान रख, मैं आई एम एन एनिमल लवर। मैं किसी, जब हम हमारा दिल खुलता है किसी के प्रति प्यार के लिए, तो वो स्पीशीज़ तो नहीं देखता। ऐसा तो नहीं है कि मैं चींटी को मारूंगी और किसी और को प्यार करूंगी। तो हम सभी के प्रति